भारत में चलने वाला सबसे बड़ा नोट यानी 2000 रुपए मूल्य के नोट की छपाई पिछले 2 साल से बंद है। इस पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2000 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं? लेकिन खुद इस पर लोकसभा में भी सरकार ने माना है कि बीते 2 साल से 2000 रुपए के नोटों की छपाई नहीं की जा रही है। इस पर सरकार ने नोट की छपाई बंद करने को लेकर वजह भी बताई है। दरअसल वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में 2000 रुपए की छपाई को लेकर जानकारी दी है, जिसके मुताबिक रिजर्व बैंक की तरफ से 2019-20 और 2020-21 के दौरान नोटों की कोई डिमांड नहीं की गई है, इसलिए नोटों की छपाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा नोटों की जमाखोरी और कालाधन को रोकने के लिए भी 2000 के नोटों की छपाई पर रोक लगाई गई है। दरअसल नोटों की डिमांड और सप्लाई को बनाए रखने के लिए सरकार रिजर्व बैंक की सलाह पर नोटों की छपाई का फैसला लेती है, लेकिन बीते 2 साल के दौरान 2000 रुपए के नोटों की छपाई को लेकर सरकार को कोई ऑर्डर नहीं मिला है। बता दें, आरबीआई ने 2019 में बताया था कि वित्त वर्ष 2016-17 में 2000 रुपए के कुल 354.2991 करोड़ नोट छापे गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में केवल 11.1507 करोड़ नोट छापे गए, जो बाद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में घटकर 4.6690 करोड़ रह गए। अप्रैल 2019 के बाद से एक भी नया 2000 का नोट नहीं छापा गया है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर 2000 के नोट के बंद होने की खबरें वायरल हो चुकी हैं, जिसमें बताया गया था कि एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने पर एटीएम मशीन से 2000 के नोट अब नहीं निकलेंगे और रिजर्व बैंक सभी 2000 के नोटों को वापस ले रहा है। लेकिन ये सभी केवल वायरल खबरें ही निकली, क्योंकि आरबीआई की ओर से किसी भी बैंक को कोई गाइडलाइन या निर्देश नहीं मिले थे, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। आपको याद दिला दें, नवंबर 2016 में सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था, तब 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद ही 500 रुपये और 2000 के ये नए नोट चलन में आए थे।